मैं अरिजीत आप लोग को इस चैनल में स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग देखेंगे जो कॉन्वेंशनल लोको का डीजे कंट्रोल सर्किट कैसे ऑपरेट होता है तो लोकोमोटिव में टोटल टेन बैटरीज रहता है वो टेन बैटरीज मिलके टोटल वन ट्वेंटी वन टेन वोल्ट प्रोड्यूस करता है तो वन टेन वोल्ट जो डीसी बैटरी प्रोड्यूस करता है तो बैटरी का पॉजिटिव तरफ से एक बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल सी एक थर्टी फाइव एम का फ्यूज दिया रहता है वो बैटरी को ओवर करेंट व ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है तो ये सी बैटरी का पॉजिटिव तरफ में होता है और एक बैटरी को ऑपरेट करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए एक एच जो कि ना एक बाईपोलर स्विच है बाईपोलर क्यों? क्यू इसका जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और नेगेटिव सिरा है ये दोनों को एक साथ ही ऑपरेट करता है एच बी ए ऑन करने से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के साथ क्लोज होगा ऑफ करने से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों एक साथ खुल जाएगा तो इसलिए एच बी ओ को बाइपोलर स्विच बोलता है तो एच बी ए को जब ऑन करेंगे तो एक सौ दस वन टेन वोल्ट जो डी सी सप्लाई है बैटरी से थ्रू एडिशनल सी सी बी ए थर्टी फाइव एम्स जो फ्यूज़ है उसके माध्यम से सी सी बी ए थर्टी फाइव एम्स फ्यूज़ में आएगा ये सी सी बी ए थर्टी फाइव एम्स फ्यूज़ ठीक होने से ये पावर सप्लाई जाएगा सी सी पी टी जो पेंटो का फ्यूज है 16 एम्पेयर का इसमें जाएगा उससे जाते हुए वो जाएगा सी वन वन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें ये सी वन वन ऐट है आनो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए ये नॉर्मली क्लोज में रहता है आनो स्टार्ट होने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर क्लोज में होना चाहिए तो स्टार्टिंग फेज में एक क्लोज में रहता है इसीलिए इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहता है तो अब पावर यहाँ से आते हुए थ्रू सी सी वन का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के ज़रिए से सी वन ज़ीरो फाइव जो एम बी एम टी वन अर्थात ब्लोअर मोटर एक एक ब्लोअर मोटर है एम भी एम टी वन जो कि ना ट्रैक्शन मोटर वन टू एंड थ्री को कूलिंग करता है इस मोटर का जो कॉन्टेक्टर है वो सी वन ज़ीरो फाइव है तो इस सी वन ज़ीरो फाइव कॉन्टैक्टर जब ओपन होगा तो इसका कॉन्टैक्टर का जो इंटरलॉक इस सर्किट में है वो क्लोज़ रहेगा इस कॉन्टैक्टर ओपन है इसीलिए इसका इंटरलॉक क्लोज है अभी एम बी एम टी चालू नहीं हुआ है तो सी वन ज़ीरो फाइव नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए पावर सप्लाई जाएगा सी वन ज़ीरो सिक्स में सी वन ज़ीरो सिक्स एम बी एम टी टू ब्लोअर मोटर का कॉन्टैक्टर है अब एम बी एम टी टू जब चालू नहीं हुए तो सी वन ज़ीरो सिक्स ओपन है तो ओपन होने से इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा ये सी वन ज़ीरो सिक्स एम बी एम टी टू का जो कॉन्टेक्टर है वह एम बी एम टी टू ट्रैक्शन मोटर फोर फाइव सिक्स को कूलिंग करने के लिए रहता है तो ये अब चालू नहीं हुए तो पावर सप्लाई से थ्रू सी वन जीरो फाइव नॉर्मली इंटरलॉक क्लोज होकर रहेगा तो उससे होते हुए सी वन ज़ीरो सिक्स का नॉर्मली क्लो इंटरलॉक से होते हुए सी वन जीरो सेवन में आएगा सी वन ज़ीरो सेवन एम बी आर एच का एक कॉन्टैक्टर है एम बी आर एच क्या करता है ना एम बी आर एच जो ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर में सर्कुलेट होता है वो रेडिएटर को कूलिंग करने के लिए एक ब्लोअर मोटर रहता है तो एम बी आर का कॉन्टेक्टर सी वन जीरो सेवन है वो जब खुला रहेगा और ओपन रहेगा तब इसका इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज रहेगा तो आप पावर सप्लाई थ्रू यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए क्यू वन क्यू फोर्टी फोर को मिल जाएगा ये क्यू फोर्टी फोर जी आर ऑफ नॉच व इन बिटवीन नॉच का प्रोटेक्शन रिले है ये नॉर्मली डी एनरजाइज में रहता है तो डी एनर्जाइज में रहने से इसका जो इंटरलॉक है नॉर्मली क्लोज में रहेगा क्लोज में रहने से पावर सप्लाई थ्रू क्यू का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए क्यू तक आएगा क्यू फोर्टी का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है जो कि ना नॉट एनर्जाइज स्थिति में है इसीलिए इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा और Q46 से होते हुए जी आर जीरो टू फाइव जो इंटरलॉक दिया है ये एक कंडीशन है जीरो टू फाइव इंटरलॉक में ये इंटरलॉक क्लोज होकर रहेगा तो इसी से पास होके केव वन वन ऐट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से पावर चला आएगा और नेगेटिव बैटरी का सिरा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो क्यू वन वन एट एनर्जाइज हो जाएगा तो जब क्यू वन वन एट रिले एनर्जाइज हुआ है तो ये क्यू वन वन एट क्या है ना क्यू वन वन एट ऑगजरी सर्किट का प्रोटेक्शन रिले है जब Q118 वन वन एनर्जाइज हुआ तब सर्किट में जो Q118 का इंटरलॉक है ओपन वाला क्लोज़ हो जाएगा और क्लोज़ वाला ओपन हो जाएगा तो Q118 का इंटरलॉक Q44 ब्रांच में जो दिया हुआ है वो नॉर्मली ओपन है वो ओपन इंटरलॉक Q118 वन वन एट एनर्जाइज हो जाने से अब क्लोज हो जाएगा क्लोज़ हो जाने से इसका इंटरलॉक यहाँ पे बैठ जाएगा अब जब क्यू वन एनर्जाइज हुआ उसके बाद हम लोग बेबी कंप्रेसर को चालू किए बेबी कंप्रेसर को चालू करने के बाद आर एस प्रेशर में प्रेशर बिल्डअप हुआ 8 के जी पर सेम स्क्वायर उसके बाद जेड पी टी को आधा दिन जीरो पोजीशन में रखें जेड पी टी का तीन पोजीशन होता है जीरो वन एंड टू तो जेड पी टी को आधा दिन जीरो में रखने से पेंटो उठेगा और पेन टो को टाच होगा टाच हो जाने से हम लोग का पावर सप्लाई थ्रू वैची से होते हुए पेंटों के जरिए से थ्रू रूप बार डीजे के आगे तक आ जाएगा तो डीजे अभी तक क्लोज नहीं किए तो डीजे क्लोज करने का जो स्विच है वो बीएल को अनलॉक किए और बीएल डीजे को प्रेस किए बीएल डीजे को प्रेस करने के बाद बीएलआर डीजे आर को प्रेस करके रखा रखना चाहिए

नॉर्मली क्लोज में रहता है ये पुश करने से एक पुश बटन है ये पुश करने से इसका इंटरलॉक खुल जाता है और ये डीजे को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो बंद हो जाने से डीजे ट्रिप कर जाएगा तो ये नॉर्मली बी पी वन डीजे क्या होता है ना नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के साथ रहता है तो इससे होते हुए सप्लाई जाएगा बी एल में यहाँ पे वन और टू दिया है ये मतलब ये कैब वन के तरफ एक कैब टू तक कैब टू के तरफ तो बी एल डी जे तो हम लोग का क्लोज़ किया है तो इसका जो इंटरलॉक ओपन में था वो अब क्लोज़ हो जाएगा और जे पी टी को आधार देन ज़ीरो में रखा है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज़ हो जाएगा और बी एल आर डी जे जो है वो हम लोग प्रेस करके रखा है तो इसका भी जो इंटरलॉक खुला हुआ रहेगा वो भी क्लोज़ हो जाएगा तो अब पावर सप्लाई थ्रू सी सी डी जे से होते हुए बी पी वन डी जे से होते हुए बी एल डी जे जेड पी टी बी एल आर डी जे तक चला आएगा बी एल डी जे से आके यहाँ पे जी आर का जीरो नॉच पे एक इंटरलॉक दिया है ये जीरो नॉच एक कंडीशन है जब नॉच नहीं लिए गाड़ी मूव नहीं किया है तब एम पी जीरो में है तब जियो जी आर जी आर जी भी जीरो में रहेगा तो इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा तो क्लोज रहने से ये सप्लाई थ्रू जी आर जीरो इंटरलॉक्स के माध्यम से क्यू फोर्टी फाइव का पॉजिटिव सिरा को मिल गया है और क्यू फोर्टी फाइव का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू बीटरी बॉक्स का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो क्यू फोर्टी फाइव अब एनर्जाइज हो गया जब क्यू एनर्जाइज हो जाने से ये क्यू का जो इंटरलॉक सर्किट में है वो ओपन वाला क्लोज़ हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा तो Q45 का जो इंटरलॉक Q44 ब्रांच में है ऊपर में देखिए तो ये Q45 अब क्या है नॉर्मली ओपन था वो वाला क्लोज़ हो जाएगा इस सर अब चला जाएगा और एक सी कॉइल कोयल में जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है उस ब्रांच में एक Q45 का इंटरलॉक है जो ओपन था वो वाला क्लोज़ हो जाएगा तो Q44 ब्रांच में Q45 फोर्टी एनर्जाइज हो जाने से जो Q45 का इंटरलॉक अब क्लोज़ हो गया तो ये क्लोज़ हो जाने से अब पावर सप्लाई थ्रू यहाँ से होते हुए थ्रू Q45 से होते हुए अब Q108 जो डिले वो तो पहले से ही एनर्जाइज है तो Q108 का इंटरलॉक नॉर्मली क्लोज में ही रहेगा तो उससे होते हुए एस एन जी आर क्लोज इन फुल नॉच में यही इंटरलॉक क्या होगा क्लोज में रहेगा ये फुल नॉच जीरो वन टू ऐसे रहेगा तो ये इंटरलॉक क्लोज में रहेगा इन बिटवीन में ये ओपन हो जाएगा तो ये फुल नॉच आप तो गाड़ी नहीं चलाया एम पी जीरो में है तो ये इंटरलॉक क्लोज में रहता है तो ये क्यू फोर्टी फोर को पॉजिटिव मिल गया है और नेगेटिव यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव भी मिल गया है अब क्यू फोर्टी फोर एनर्जाइज हो गया है क्यू फोर्टी फोर जी आर का हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले है तो ये एक एनर्जाइज हो जाने से ये क्यू फोर्टी फोर का जो इंटरलॉक है सर्किट में वो ओपन वाला क्लोज़ क्लोज वाला ओपन हो जाएगा तो क्यू फोर्टी फोर का जो इंटरलॉक एम टी डी जे और सी वन वन एट ब्रांच कॉमन ब्रांच में जो ऊपर में दिया है वो ओपन था वो अब क्लोज हो जाएगा ये क्लोज़ हो जाने से आप पावर सप्लाई थ्रू जेड पी टी बी एल आर डी जे को अब प्रेस करके रखा है अभी तक नहीं छोड़ा है तो बी एल आर डी जे से यहाँ पे जा रहा है और बी एल आर डी जे से आगे एक लाइन गया है उससे होते हुए क्यू फोर्टी फोर को मिलेगा और क्यू फोर्टी फोर एनर्जाइज हो जाने से यहाँ पे तो इंटरलॉक खुला था वो क्लोज हो गया और क्यू वन वन में जो क्यू फोर्टी फोर का इंटरलॉक है वो क्लोज था वो अब ओपन हो जाएगा वो ओपन हो जाने से अब पावर सप्लाई जो सी वन वन एट इंटरलॉक क्लोज़ था इससे होते हुए C105, C106, C107 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए Q44 को जरिए से आ रहा था वो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि Q44 का जो इंटरलॉक अब क्लोज से ओपन हो गया है तो यह तो डी हो जाएगा क्यू परंतु क्यू वन एक टाइम लैग रिले है जो पाँच सेकेंड तक एनर्जाइज में रहेगा तो अब यहाँ पे जब क्यू फोट क्यू फोर्टी फोर का इंटरलॉक क्लोज हुआ है एम टी डी में तब पावर सप्लाई थ्रू क्यू ओ ए में आएगा क्यू ए क्या है एक ऑक्जुलरी का प्रोटेक्शन रिले है ये नॉर्मली डी एन एच में रहता है तो इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहता है तो ऐसे इससे होते हुए क्यू एल ए में आएगा क्यू एल एक्जुलरी पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है नॉर्मली ये डी एन एच में रहता है तो ऐसे डी एन एच स्थिति में रहने से इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा इससे होते हुए ये क्यू एल एम में आएगा क्यू एल एम फीडिंग पावर सर्किट का ओवर करेंट रिले है जो कि ना नॉर्मली डी एन एज होने से इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा और क्यू ओ पी वन एन क्यू ओ पी टू जो कि ना आर एस आई वन एवं आर एस आई टू ब्लॉक का आर्थफ फॉल्ट रिले है ये आर्थफ फॉल्ट रिले क्यू ओ पी वन जब डी एन एज में है तो ये क्यू पी वन भी क्लोज में रहेगा और क्यू पी टू भी जब डी एन में है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा और क्यू आर एस आई वन एंड क्यू आर एस आई टू जो है वो आर एस आई ब्लॉक का ओवर रिले है तो वो भी डी एन होने से इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा और क्यू ई एम एस ए की ना बी पी एम एस जो पुश बटन है एमरजेंसी बटन फॉर डीजे ट्रिप करने के लिए तो ये जब एनआरजाइज में डी में रहेगा तब इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा तो एक क्यू वन है, है आर्थफ रिले क्यू एल ए है एक ओवर कारण रिले क्यू एल एम भी है ओवर कारण रिले क्यू ओ पी एन क्यू ओ पी वन टू ए है आर्थफॉल रिले क्यू आर एस एन वन क्यू आर एस आई टू ए है ओवर कारन रिले आर एस आई ब्लॉक के लिए और क्यू ई एम एस ए इमरजेंसी पुश बटन का एक रिले है जो डी एन आर जे सोरे से इसका क्लोज इस इंटरलॉक रहेगा तो इस सभी का क्लोज इंटरलॉक है तो पावर सप्लाई शुरू Q40 से होते हुए, Q44 से होते हुए इससे आते हुए यहाँ तक QEMS का तक आ जाएगा बट अभी तक सी का ओपन इंटरलॉक और डी की ओपन इंटरलॉक है डी अब क्लोज नहीं हुए तो इसका ओपन इंटरलॉक है तो यहाँ से पावर नहीं जाएगा तो देखिए Q44 को जब पावर मिले उससे दो भाग हो जा रहा है तो इस तरफ से जो पावर आ रहा है वो आके Q45 का पास आ जाएगा तो पहले तो Q45 एनर्जाइज हुआ था मेरा तो तब तो दोनों जगह जो इंटरलॉक खुला हुआ रहेगा वो तो क्लोज़ हो जाएगा एक तो Q44 ब्रांच में जो Q45 है उसका इंटरलॉक भी क्लोज़ हुआ उसके साथ ही क्यू सी ब्रांच में जो क्यू का इंटरलॉक खुला था वो भी क्लोज हो गया तो पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए Q45 से आते हुए क्यू में चलाएगा ये क्यू एक, एक आनों का स्टार्टिंग फेज देने से ये प्रोटेक्शन देता है और आनों को प्रोटेक्शन रिले है नॉर्मली डी में रहता है ये डी हो जाने से इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा और एनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक खुल जाता है तो क्यू सी मिल गया कि उसी भी आर से डी नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए सी वन वन एट कोयल का पॉजिटिव तरफ से चला आया और नेगेटिव तरफ बैटरी का पॉजिट नेगेटिव से मिला हुआ है तो सी वन एट कोयल एनर्जाइज हो गया जब सी वन एट कोयल एनर्जाइज हो जाने से सी वन एट का जो इंटरलॉक सर्किट में है वो ओपन वाला क्लोज क्लोज वाला ओपन हो जाएगा तो एम डी डी जे में जो सी वन एट का ब्रांच जो इंटरलॉक दिया हुआ था वो अब क्लोज हो जाएगा क्योंकि C118 का कॉयल एनर्जाइज हो गया है तो इसका इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा तो जब पावर की क्यू ई एम एस में रुका हुआ था वो थ्रू C118 से होते हुए क्यू पी डी जे में आएगा क्यू पी डी जे एक प्रेशर रिले है जो कि ना 5.5 के जी होने से ये इंटरलॉक क्लोज होगा और क्लोज हो जाने से एम टी डीजे कॉयल को एनर्जाइज़ कर देगा एम टी डी जे एनर्जाइज हो जाने से डीजे क्लोज होगा तो डी जे क्लोज़ होगा और सी वन वन तो यहाँ पे तो क्लोज़ हुआ परंतु क्यू वन वन एट ब्रांच में जो सी वन वन इंटरलॉक था वो क्लोज़ वाला ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने से पावर सप्लाई क्यू वन वन को मिलेगा नहीं मिलेगा परंतु क्यू वन एट एक टाइम लैग रिले है जो कि न फाइव सेकेंड तक एनर्जाइज में रहेगा अब ये क्यू वन एट को एनर्जाइज में रखने के लिए सी वन एट को क्लोज में होना चाहिए तो विदिन फाइव सेकेंड ये इसको क्लोज़ करना होगा तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जब DJ क्लोज हुआ तो DJ से पावर सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर टी एफ आर में आया है और टी एफ आर से होते हुए टी एफ डब्लू आर टी एफ डब्ल्यू ए में गया है ऑक्सीजन ट्रांसफार्मर में गया है तो उससे होते हुए आननो में गया है आननों का जो स्टार्टिंग फेज देने के लिए सी वन कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उससे आनों को पावर सप्लाई मिला है अब आनो जब स्टार्ट हो गया उसका जो आउटपुट 155 फिफ्टी फाइव वोल्ट हो गया आनो घूम रहा है और 155 फिफ्टी फाइव एक रेटेड आउटपुट मिल गया तब ये जो क्यू सी आर है ना ये क्यू सी आर एनर्जाइज हो जाएगा जो आनों का प्रोटेक्शन रिले है वो एनर्जाइज हो जाने से उसका जो इंटरलॉक यहाँ पे लगा था क्लोज था वो वाला ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने से सी को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये कोयल डी हो जाएगा अब सी जब डी हो जाने से यहाँ पे जो सी खुला था ये वाला अब ओपन हो जाए ओपन से क्लोज़ हो जाएगा खुल गया था तो ये क्लोज़ हो जाने से पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए पे आ जाएगा परंतु एम टी डी जे को कैसे मिलेगा शिवानंद -E तो यहाँ पे क्लोज था ये तो ओपन हो जाएगा क्योंकि डी जे जब क्लोज हो गया तो डी जे को जो इंटरलॉक यहाँ पे दिया है तो ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा तो अब पावर क्यू ई एम एस से होते हुए डी जे का जो क्लोज इंटरलॉक होगा उससे होते हुए क्यू पी डी जे से होते हुए एम टी डी जे को मिलेगा और डी जे कॉन्टिन्यूसली क्लोज में रहेगा डी जे क्लोज हो जाने से जब डीजे क्लोज हो जाता है बी एल डी जे को प्रेस क्लोज कर, करके बी एल आर डी जे को प्रेस करता है तब डी जे के साथ फाइव जो ऑक्सिलरी मोटर है वो चालू हो जाता है कौन कौन ना एम पी एच एम बी एस एल वन एम बी एस एल टू एंड एम बी एस आई वन एंड एम बी एस आई टू ये फाइव ऑक्सिलरी मोटर है ब्लोअर मोटर और एम पी एच ट्रांसफॉर्मर ऑयल को सर्कुलेटर करने के लिए एक मोटर है जो कि ना काम में आता है तो ये चालू हो जाने से उसका जो इंटरलॉक है वो नॉर्मली डी स्थिति में रहता है तो ये चालू हो जाने से उसका मैंने रिले एनर्जाइज होकर उसका इंटरलॉक क्लोज हो जाने हो जाता है तो Q118 ब्रांच में तीन एक्सलरीज दिया है और Q44 ब्रांच में दो एक्जलरीज दिया है तो पहले जो फाइव एक्सलरीज काम में आया है उससे क्यू पी एच क्यू बी एस एल टू क्यू बी एस एल वन एम पी एच मोटर के लिए क्यू पी एच रिले है एम बी एस एल वन मोटर के लिए क्यू बी एस एल रिले है एम बी एस एल टू के लिए क्यू बी एस एल रिले है और क्यू फोर्टी फोर ब्रांच में आर एस आई ब्लॉक के ठंडा करने के लिए एम बी एस एल एम बी एस आई जो मोटर है ब्लोअर मोटर उसका डिले है क्यू बी एस आई वन एंड एम बी एस आई टू मोटर के लिए जो डिले है क्यू बी एस आई टू तो ये इंटरलॉक क्या होगा मोटर चालू हो जाने से इसका इंटरलॉक क्लोज़ हो जाएगा यहाँ पे दो जो ओपन था ये वाला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे भी जो तीन है ये तीन वाला जो ओपन था क्लोज़ हो जाएगा तब क्या होगा जब C11 से पावर मेरा C105, C106, C107 से होते हुए पावर अब तो Q44 तो एनर्जाइज में है तो Q44 फोर्टी एनर्जाइज से पावर तो ऐसे नहीं मिलेगा इसे क्योंकि ये तो ओपन हो गया तो पावर अब C105 से होते हुए क्यू बी एस एल वन क्यू बी एस एल टू क्यू पी एच से होते हुए क्यू सी भैया तो अब एनर्जाइज़ होगा तो एनर्जाइज हो जाने से यह क्या होगा ये क्लोज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे खुल गया है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा तो क्लोज़ हो जाने से यहाँ से होते हुए Q40 तक आ जाएगा और Q46 से आते हुए GR025 जो इंटरलॉक है उससे होते हुए Q118 को मिलेगा और इन फाइव सेकेंड में ये कंटिन्यू एनर्जाइज में रहेगा ये कंडीशन इन फाइव सेकेंड के अंदर में हो जाएगा तो ये कंटिन्यू एनर्जाइज में रहेगा अब क्या हुआ जब सी क्यू सी वी आर एनर्जाइज हो गया इसका इंटरलॉक खुल गया है और ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो फाइब है वो चालू हो गया है तब ये वाला तो इंटरलॉक खुल गया है तो यहाँ पे इंटरलॉक जो दिया है वो वाला खुल जाएगा तो जो बैटरी चार्जर होगा आर में पावर जाएगा तो आर स्टार्ट होगा तो आर स्टार्ट होने से स्टार्ट होने से जो बैटरी चार्जर रहेगा वो काम करेगा तो बैटरी चार्जर काम करने से जो बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैम्प है एल एस सी एच बी ए वो बत्ती बुझ जाएगा अभी तक बी एल डी जे को प्रेस करने से वो बत्ती जल रहा था तो फोर सेकेंड के बाद क्या होगा क्यू सी आर एनर्जाइज होने से पावर सप्लाई जब आरनों को मिला आर नो स्टार्ट हुआ आरनों से फाइव ऑक्सिलरी स्टार्ट हुआ तब क्यू सी आर एनर्जाइज हो जाने से सी एच बी ए जो बैटरी चार्जर वो चालू हो गया बैटरी चार्जर चालू हो जाने से उसका जो सिग्नलिंग लैम्प है एल एस सी एच बी वो बत्ती बूझ जाएगा जब हम देखें जब सी एच एल एस सी एच बी बत्ती बूझ गया तब बी एल आर डी जे को हम लोग रिलीज़ कर देंगे अभी तक प्रेस करके रखा था वो रिलीज़ कर देंगे तो रिलीज़ कर देने से क्या होगा अब पावर सप्लाई सी सी डी जे से होते हुए बी एल डी जे से होते हुए जेड पी टी से होते हुए तो आएगा बट बी पी बी एल आर डी जे तो छोड़ दिया है तो इसका इंटरलॉक जो क्लोज था वो ओपन हो गया है तो पावर अब क्यू फोर्टी फाइव को नहीं मिलेगा तो क्यू फोर्टी फाइव को नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो तो एनर्जाइज नहीं रहेगा वो डी एनर्जाइज हो जाएगा क्यू फोर्टी फाइव डी एनर्जाइज हो जाने से यहाँ पे जो इंटरलॉक लगा हुआ था क्लोज था वो ओपन हो जाएगा बट ओपन हो जाने से वो क्या होगा सी वन वन तो पहले से ही क्यू सी बी आर का इंटरलॉक खुल गया था तो ये तो आगे ही डी एन हो गया तो अब ये खुल जाने से भी वो डी एन में ही रहेगा बट क्यू फोर्टी फोर ब्रांच में जो पावर सप्लाई क्यू फोर्टी फाइव का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से आ रहा था वो क्यू फोर्टी फाइव एनर्जाइज हो जाने से ओ वो अब खुल जाएगा खुल जाने से क्यू फोर्टी फोर को पावर सप्लाई कैसे मिलेगा तो क्यू फोर्टी फोर को पावर थ्रू क्यू थर्टी से मिलेगा क्यू थर्टी है क्या नो और लो वोल्टेज रिले तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट को नो और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्यू थर्टी दिया है जब डीजे क्लोज़ किए डीजे क्लोज करने से आनों को पावर जब मिलेगा क्यू एफ डब्ल्यू से क्यू एफ डब्ल्यू ए से तब क्यू थर्टी भी एनर्जाइज हो जाएगा क्यू थर्टी फिफ्टीन पॉइंट फाइव के बी में एनर्जाइज हो जाएगा तब इसका जो इंटरलॉक खुला वो क्लोज़ हो जाएगा क्लोज़ हो जाने से उससे होते हुए पावर सप्लाई जी आर का जो इंटरलॉक दिया है वो जीरो नॉच में क्लोज़ होकर रहेगा तो उससे होते हुए थ्रू क्यू वन वन एट को नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए एस एम जी आर का क्लोज़ इन फुल नॉच का इंटरलॉक से होते हुए क्यू फोर्टी फोर को मिलेगा और एक जो फाइव एक्जिलरी चालू हुए थे तो इसका भी इंटरलॉक यहाँ पे बैठ गया था तो इससे भी होते हुए हम लोग का Q44 को मिलेगा तो Q30 से होते हुए दोनों तरफ मेरा पावर आ रहा है अब क्या हुआ हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने के पहले ये जो कंप्रेसर रहता है तीनों एम सी पी वन एम सी पी टू टू एंड एम सी पी थ्री तो ये तीनों को चालू करना होगा एम आर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए तो एम आर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो स्विच दिया है कंप्रेसर का बी एल सी पी ए चालू करना होगा तो बी एल सी पी ए चालू करने से एम सी पी वन एम सी पी टू चालू हुए उसके फाइव सेकेंड बाद एम सी पी थ्री चालू हुआ और एम आर प्रेशर बिल्डअप किया अब जब गाड़ी नॉच में लेंगे एम पी जीरो में है अभी तक एम पी जब वन पोजिशन में लेने के आगे क्या करना होगा जो ब्लोअर मोटर है ट्रैक्शन मोटर का एम वी एम टी वन ये तो अब सी एम वन जीरो फाइव सी वन जीरो सेवन सी वन ज़ीरो सेवन सिक्स एंड सेवन ये तो अभी तक चालू नहीं किया है कॉन्ट्रैक्टर ओपन में है इसीलिए कॉन्ट्रेक्टर का जो इंटरलॉक है ये पे क्लोज है तो ये अब बी एल वी एम टी जो बटन लेबर है उसको क्लोज करना होगा तो बी एल वी एम टी क्लोज़ करने से ये कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगा और इसका इंटरलॉक का भी खुल जाएगा तो इंटरलॉक खुल जाने से पावर कैसे मिलेगा क्यू वन को तो एम पी को ऑपरेट करने से पहले बी एल वी एम टी को क्लोज किया है तो C107 पहले ये कॉन्ट्रेक्टर क्लोज़ होगा ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाने से एम वी आर एच चालू होगा एम वी आर एच ब्लोअर मोटर का जो रेडिएटर का ब्लोअर मोटर है वो चालू होगा C107 वन जीरो कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाने से इसका इंटरलॉक खोल जाएगा और खोल जाने से क्या होगा पावर सप्लाई ऐसे नहीं आएगा इसे आ रहा था थ्रू ऐसे होते हुए तो नहीं आएगा तो कैसे होगा ना एम वी आर एच जब चालू हुए उसका जो रिले आएगा क्यू बी आर एच जो रिले है वो रिले भी एनर्जाइज हो जाएगा रिले एनर्जाइज हो जाने से उसका जो इंटरलॉक खुला था वो ओपन से क्लोज़ हो जाएगा तो एम भी आर एज चालू होने से क्यू भी आर एज अब सर्विस में आ गया तो सर्विस में आने से इसका इंटरलॉक यहाँ पे बैठ गया है क्लोज़ हो जाने से अब पावर सप्लाई थ्रू सी वन ऑन एट का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से सी वन ऑन एट का अभी तक चालू नहीं हुआ है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा सी वन ज़ीरो सिक्स भी कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं हुआ है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा अब सी वन ज़ीरो सेवन क्लोज में रह गया क्योंकि C107 का जो मोटर चालू हुआ है तो इसका इंटरलॉक खुल जाएगा तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा थ्रू क्यू बी आर एच सो क्यू बी आर एच से होते हुए क्यू बी एस एल वन क्यू बी एस एल टू क्यू बी एच एंड क्यू सी बी आर से होते हुए क्यू फोर्टी सिक्स से होते हुए जीरो टू फाइव जी आर का नॉच का इंटरलॉक से होते हुए क्यू वन वन एट को मिलेगा अब फाइव सेकेंड के बाद जब सी वन जीरो फाइव जो एम बी एम टी वन ट्रैक्शन मोटर वन टू थ्री का जो ब्लोअर मोटर है वो चालू होगा तो उसका इंटरलॉक सी वन जीरो फाइव कॉन्टेक्टर का क्लोज़ होगा तो कॉन्टेक्टर क्लोज़ हो जाने से उसका इंटरलॉक यहाँ पे खुल जाएगा तो इंटरलॉक ओपन हो जाने से पावर सप्लाई ऐसे नहीं जाएगा तो जब एम एम टी चालू हुए तो क्यू बी एम टी उसका डिले है वो भी एनर्जाइज होके उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज़ हो जाएगा तो पावर सप्लाई अब सी वन वन से होते हुए थ्रू क्यू एम टी वन और सी वन ज़ीरो सिक्स तो चालू नहीं हुआ है क्लोज़ नहीं हुआ है तो इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा तो सी वन जीरो सिक्स से होते हुए क्यू वी आर से होते हुए क्यू बी एस एल वन क्यू एस एल टू क्यू से क्यू सी वी आर से होते हुए क्यू फोर्टी सिक्स से होते हुए जी आर जीरो टू फाइव जो इंटरलॉक है उससे होते हुए क्यू वन वन एट को मिल जाएगा और उसके फाइव सेकेंड के बाद एम बी एम टी टू चालू होगा तो एम एम टी टू चालू हो जाने से इसका कॉन्टेक्टर सी वन ज़ीरो सिक्स है वो क्लोज़ हो जाएगा तो क्लोज हो जाने से इसका इंटरलॉक जो ओपन हो जाएगा क्लोज था वो ओपन हो जाएगा तो अब पावर सप्लाई नहीं मिलेगा इससे तो क्या होगा एम बी एम टी टू चालू हो जाने से उसका जो रिले है क्यू बी एम टी टू वो ओपन था वो क्लोज़ हो जाएगा तब क्या होगा पावर सप्लाई ऐसे आ रहा था सी से होते हुए अब सी तो क्लोज़ है तो उससे होते हुए क्यू वी एम टी वन क्यू वी एम टी टू क्यू बी आर एच क्यू बी एस एल वन क्यू बी एस एल टू क्यू बी ए से होते हुए क्यू सी बी आर से होते हुए क्यू फोर्टी सिक्स से होते हुए क्यू जी आर जीरो टू फाइव नॉच में है इसका इंटरलॉक क्लोज में है क्या और क्यू वन वन एट को मिल जाएगा जब यहाँ पे देखिए C105, C106 ज़ीरो फ़ाइव सी वन जीरो सिक्स एंड सी वन ज़ीरो सेवन का इंटरलॉक क्या था पहले क्लोज़ था अब क्या होगा ओपन हो जाएगा तो ओपन हो जाने से ऐसे नहीं जाएगा तो इस तरफ से जा रहा है तब यहाँ पे जब C105, C106 जीरो फ़ाइव सी वन जीरो सिक्स एंड सी वन जीरो सेवन का इंटरलॉक खुल गया है तब यहाँ पे जो C105, C106 जीरो फ़ाइव सी वन ज़ीरो सिक्स एंड सी वन जीरो सेवन का इंटरलॉक खुला हुआ था वो क्लोज़ हो जाएगा तो सप्लाई Q46 से दोनों तरफ जाएगा GR025 से भी जाएगा और Q46 से होते हुए C105 C106, C107 से होते हुए क्यू को मिल जाएगा अब क्या हुआ बी को क्लोज कर दिया ब्लोअर मोटर हमारा चालू हो गया अब एम को वन पोजीशन में रख दिया एम को वन में रखने से क्या होगा गाड़ी एक नोच लिया है तो यहाँ का जो Q44 ब्रांच में GR का जो जीरो नॉच का प्रोटेक्शन था वो इंटरलॉक था वो इंटरलॉक क्या होगा इंटरलॉक अब जीरो में नहीं रहेगा तो जीरो नहीं रहेगा, से वन में है तो वन में तो ये कंडीशन नहीं दिया है ओनली जीरो में ये क्लोज होगा अदर देन जीरो में ये ओपन होगा तो अब ओपन हो जाएगा इस तरफ चलाएगा तो पावर सप्लाई क्यू फोर्टी फोर को कैसे मिलेगा क्यू थर्टी से होते हुए क्यू सी क्यू बी एस आई वन क्यू बी एस आई टू से होते हुए क्यू वन वन ऐट से होते हुए एस एम जी आर वन पोजिशन है तो वन पोजिशन तो एक फुल नॉच है तो फुल नॉच से एक क्लोज में रहेगा तो क्यू फोर्टी फोर को एनर्जाइज करके रखेगा बट यहाँ पे तो जीरो टू फाइव है वन तो इसके बीच में ही पड़ता है तो यह पे कैसे होगा जैसे ही वन पोजिशन लिया है तो सी वन वन एट से होते हुए QBMT1 से क्यू QB एम QB QBSL1, QBSL2, क्यू से QCBR से होते हुए Q46 से हुए दोनों तरफ जाके Q118 को मिलेगा अब आप टू फाइव नॉच तक ऐसे ही पावर सप्लाई जाएगा सर्किट में बट जब सिक्स नोच लिया है क्योंकि ये फाइव नॉच तक ये इंटरलॉक क्लोज में रहेगा बट जब सिक्स नॉच लिया है तब क्या होगा C1 से तो आएगा

Q118 को मिलेगा और क्यू वन एन एट कंटिन्यूस एनर्जाइज में रहेगा तो ऐसे ही पावर सप्लाई डी जे कंट्रोल सेट में जाएगा और डी जे को ट्रिप और डी जे को क्लोज कर देगा तो क्यू वन डी एनर्जाइज हो जाने से और Q44 फोर्टी फोर डी एनर्जाइज होने से सी वन एन एड एनर्जाइज हो जाने से एम टी डी जे डी एनर्जाइज होने से क्या होगा ना डी जे ट्रिप कर जाएगा तो ऐसे ही पावर सप्लाई कॉन्वेंशनल लोगों में डीजे सर्किट में जाता है तो आज ये देखे तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बोलना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू